गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद जाहिद शाह, मैथमेटिक्स टीचर, प्लस टू अग्रवाल हाई स्कूल वेलागंज. मोस्ट वेलकम टू यू इन गया गाइडेंस प्रोग्राम्स. बच्चों, मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैथमेटिक्स सेक्शन में आप लोग को कैलकुलस सेक्शन लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग को 11th क्लास की कैलकुलस के अंतर्गत जो भी आपके चैप्टर थे, उसके लिए मैंने टोटल 6 वीडियो के तहत आप लोग को दिखाया गया है. ये मेरा 6th लेक्चर है और यह 11th क्लास के बच्चों के लिए सबसे आखिरी वीडियो है. इस लेक्चर के माध्यम से आज कैलकुलस के महत्वपूर्ण सेक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस वाई फर्स्ट प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं. मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने कैलकुलस से रिलेटेड 5 वीडियो बना रखा है, जिसके अंतर्गत लिमिट ऑफ फंक्शन, LH लिमिट, RH लिमिट, एग्जिस्टिंग, इसके अलावे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलस को सॉल्व करेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन को सॉल्व करेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक वीडियो बना हुआ है, उसके प्रॉब्लम बने हुए हैं और वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. इसके बाद लॉ पिचाल रूल्स एक चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, जो कि 11th के साथ साथ कंपिटेटिव स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है. और अब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के तहत आपको डिफरेंशियल कोफिशियंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से रूबरू कराऊंगा. तो बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ हमारा वर्किंग रूल है, मैं उस पर आपको फोकस कर दूं. सबसे पहले यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गिवन फंक्शन, इवन यहां आपका अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है. इन सारे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और यह डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो आपका रिजल्ट आएगा, जस्ट लाइक डिफरेंशियल कैलकुलस का इंपॉर्टेंस फॉर्मूला आपका पिकअप हो जाएगा. तो यहां हम लोग सबसे पहले ये मैं बता दूं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 2 पार्ट, एक पार्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसके बारे में मैंने बताया था आप लोग को, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग का कॉस एक्स आया था. फिर निकाला था dy/dx कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका हम लोग आया था साइन एक्स, और एक आया था dy/dx एक्स टू द रेज हॉल एन की डिफरेंशियल कोफिशिएंट एन इंटू एक्स टू द रेज पावर एन माइनस वन. ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग के बीच दिखा दिया है. आप चाहे तो फिर से जाके उसे देख सकते हैं और बाकी जो रेस्ट जो फॉर्मूला है या डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कॉफिशियंट है, मैं आज आप लोग को इसमें बताने जा रहा हूं. तो बच्चों, इसके लिए अब जो रेस्ट हमारा जो फॉर्मूला बच रहा है, तो सबसे पहले मैं एक रूल के तहत आप लोग को बता दूं कि हमको करना क्या है, कैसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया रहे, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या अलजेब्रिक फंक्शन हो, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहे, तो उसको हम लोग लेट वाई इक्वल टू, कोई भी फंक्शन अगर रहे तो एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर देंगे. उसके बाद हम लोग एक
स्मॉलेस्ट चेंज करेंगे इन x कोफिशियंट में और y कोफिशियंट में, तो जब y कोफिशियंट में स्मॉलेस्ट चेंज रूप में हम लोग डेल्टा y करेंगे और x का कोरस्पॉन्डिंग हम लोग डेल्टा x करेंगे, तब हमारा y प्लस डेल्टा y बन जाएगा और यहां f ऑफ x प्लस डेल्टा x बन जाएगा और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये डेल्टा y मिलेगा और यहां f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x मिलेगा, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, लेकिन यह तब तक हमारा फाइनल नहीं आएगा जब तक इसको हम लोग सिंपलेस्ट वे में नहीं करेंगे। तो सिंपलेस्ट वे में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां जब हम ऐसे फंक्शन को लाएंगे तो ये फंक्शन हमारा अलजेब्रिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है या लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, इवन और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको कैसे हम लोग सॉर्ट डाउन करेंगे, फिर लॉगरिथम रहेगा तो कैसे सॉर्ट डाउन करेंगे, एक्सपोनेंशियल रहेगा तो कैसे सॉर्ट डाउन करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री रहेगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये रूल के तहत हम लोग इसके पांचवा रूल में थोड़ा सा देख लें कि क्या करना है। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि अगर हमारा जो गिवन फंक्शन अगर इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन जो सिंपलेस्ट वे में आया था वो अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो सबसे पहले क्या करना है, गो ऑन सिंप्लीफाई एज साइन साइन थीटा या साइन एक्स और टेन एक्स, साइन एक्स और टेन एक्स रूप में हम लोग पहले इसको लाने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर एक्स टेंस टू एक्स के सेंस में रहेगा तो साइन एक्स वे में और टेन एक्स वे में इसको लाने की कोशिश करेंगे और तब उसमें हम लोग डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे और हम लोग गिवन फंक्शन को कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो तो इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे कि हमारा साइन एक्स और टेन एक्स में सिंप्लीफाई हो जाए। आएंगे जब हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इस सब बातें आएगी और हम आपको फोकस करेंगे ये रूल के तहत, देखिए यहां टेन एक्स में है, साइन एक्स में है या कॉस एक्स में है, तो इसको हम लोग कैसे साइन एक्स में बदल देंगे, टेन एक्स में बदल देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट है कि अगर इन केस गिवन फंक्शन, इन केस फंक्शन बी अ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आ जाए, क्योंकि ये भी ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट माना जाता है, तो ये इनवर्स फॉर्म में अगर आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव, ये ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव इनवर्स फंक्शन, सबसे पहले उसको इनवर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे और देन जब इनवर्स रिमूव कर जाएगा देन प्रोसीड एज केस ऑफ साइन एक्स और टेन एक्स, फिर उसी जब ट्रिगो रिवर्स रिमूव करिएगा इनवर्स में तो ट्रिगो फंक्शन बन जाएगा और जब ट्रिगो फंक्शन हो जाएगा तब जैसा कि ट्रिगो फंक्शन का रूल था कि सबसे पहले ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा जो फंक्शन साइन एक्स में आ जाए या अदरवाइज टेन एक्स में आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो ऐसे इनवर्स में भी रहे तो सबसे पहले रिमूव करके उसको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज करेंगे और वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को रिमूव चेंज करके इसको साइन एक्स और टेन एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके बाद फिर जो भी रूल्स है वो हम लोग लिमिट का रूल लगाएंगे। अगर इसमें कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा
तो उसको हम लोग एज ए फैक्टर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी जो कोफिशियंट होगा उसको हम लोग चेंज करने का तरीका है। अब मैंने बता दिया कि इससे पहले मैंने डिफरेंशियल कोफिशियंट का 3 रिजल्ट निकाल चुके हैं। आज मैं आप लोग को एक रिजल्ट और भी दिखा दूं कि कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशियंट निकालते हैं या डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है टू फाइंड द डीसी ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि टेन एक्स का हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसा एज पर रूल्स हम लोग जान चुके हैं कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग वाई मेंशन करेंगे। तो हमारा यहां सॉल्यूशन क्या बताएगा, लेट वाई इक्वल टू टेन एक्स, और इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं। तो जैसा हम लोग रूल बताया था कि जो भी फंक्शन रहे सबसे पहले इसको वाई मेंशन वाई इक्वल टू फंक्शन के रूप में कर लेंगे और इसको इक्वेशन 1 पुटअप कर लेंगे। उसके बाद एक डायलॉग है जो ये पूरे कॉफिशियंट में हम लोग लगभग इस डायलॉग को लिख सकते हैं और सभी फंक्शन के लिए काम देता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding change in y। क्या हुआ, कह रहा है कि अगर y में एक छोटी सी changing करें as a delta y और x में छोटी सी changing करें as a delta x, तब ये equation first हमारा अलग शक्ल में बन जाएगा, वो है y plus delta y हो जाएगा equal to, यहां ध्यान दीजिए tan x के साथ चेंजिंग डेल्टा x आ जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मेंशन करेंगे। देखा कि पहले हम लोग जो भी फंक्शन आएगा उसको y में मानेंगे और फिर छोटी सी स्मॉल चेंजिंग करेंगे, स्मॉल चेंजिंग करते हुए x के साथ डेल्टा x और y के साथ डेल्टा y मानेंगे, और तब हमारा गिवन फंक्शन या इक्वेशन 1 जो है इस रूप में आ जाएगा। अब यहां के बाद एज पर रूल, जैसा कि तीसरा रूल हमने बताया था कि क्या करना है, तब हम लोग लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये लिखना होगा कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो बच्चों यहां देखिए, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट यहां पर आ रहा है डेल्टा वाई। इज इट क्लियर। उसके बाद जब हम लोग टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स में इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो टेन एक्स होगा। अब यहां पर देख लीजिए, हमने बताया था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो एज ए टेन एक्स सेंस में या साइन एक्स सेंस में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो टेन एक्स की फॉर्मूला पर नहीं, बल्कि इसको टेन एक्स को हम लोग साइन कॉस में यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो शायद हमारा जो लिमिट अप्लाई होगा वो आसान हो जाएगा और तब हम लोग आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको चेंज करके देख लीजिए, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहां आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब जब हम लोग इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉस एक्स रह जाएगा इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहां जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां पर देख लीजिए,
साइन इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आता है, तो हमारा फॉर्मूला आता है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी जब हम लोग अप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे जो फंक्शन है वो जस के तस रह जाएगा। अब गिवन फंक्शन हमारा डेल्टा वाई के सेंस में ये मिल गया, इसमें से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनल देख फिर ऊपर देखिए कि हमारा कैसे चेंज होगा। अब यहां पर डेल्टा वाई जो है साइन डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स के सेंस में आ जाएगा। जब ऐसा आ जाएगा तब बच्चों फिर देखिए हमारा सिंपलेस्ट वे में क्या जाता है। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, फिर एक रूल था कि अगर डेल्टा वाई है और डेल्टा एक्स इस तरफ है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे फॉर्मूला लाने के लिए दोनों तरफ डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग यहां डिमांड कर रहा है, ऑन डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहां हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर हो जाएगा साइन एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऐसा आ गया। जब ऐसा आ गया तब हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एज ए लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टू 10, तो यहां आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर अब हम लोग यहां पर देख लीजिए कि साइन डेल्टा एक्स के साथ अपॉन डेल्टा एक्स है, तो एक हमारा यहां पर फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 के सेंस में भी जो हम लोग जानते हैं वैल्यू कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम लोग इसको इस वे में लिख सकते हैं साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू, फिर इसके साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जरा देख लीजिए, आपको यह बता दें कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू का मतलब ही होता है डीवाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको हम लोग y1 के सेंस में भी लिख सकते हैं, dy by dx के सेंस में भी लिख सकते हैं। इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ऐसे फंक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके को हम लोग यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग ऐसे लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 dy by dx अगर आ जाएगा तो इसको हम लोग सिर्फ लिखते हैं dy by dx, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ वाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि फाइंड द डीसी ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए हमारा यहां दो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब हो गया डीवाई बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यह हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, लिमिट फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, यहां साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। और जब यहां जहां जहां डेल्टा एक्स है डायरेक्ट पुट करके हम लोग देखेंगे, तो अगर वैल्यू फाइनाइट की तरफ आती है तो डायरेक्ट पुट अप करके हम लोग आसानी से लिमिट का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू के लिए हम लोग डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, फिर भी हमारी वैल्यू फाइनाइट रह जा रही है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहां पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। अब जरा सा देख लीजिए कि फाइनल वे में हमारा जो है डीवाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स,
और जब ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इसका मतलब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स एज ए फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव हो गया। यही फॉर्मूला अब हमारा एज ए समराइज होकर प्लस टू में जब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस डेप्थ वे में पढ़ेंगे, एज ए कैलकुलेशन पढ़ेंगे, तो हमारा डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तब यहां ध्यान दीजिए, हमारा जो आया डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और यह समराइज होकर एक फॉर्मूला रूप में बन जाएगा। आप सीधा इसको कब समझ सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होती है। तो यहां हमने बच्चों देखा कि कैसे tan x का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करेंगे तो वह उसका वैल्यू sec स्क्वायर x हो जाती है। तो बच्चों इसके और भी सेक्शन है, जैसे अब मान ली कि tan x का निकाला, मैं समराइज कर दूं कि dy dx sin x का निकाला था तो हमने cos x पाया था, dy dx cos x को निकाला तो हम लोग माइनस sin x पाया था, dy dx tan x को निकाला भी तो इसका हम लोग पाया sec स्क्वायर x। इसी तरह से अब आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि dy dx cot x की डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगी। आप लोग के लिए ये एज ए टास्क है, आप लोग इस पर चर्चा के एकदम हूबहू सेम प्रोसेस पे जाना है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं उठाना है। जैसे मैंने tan x को लाया है एज वेल एज cot x का भी वैल्यू उसी तरह से आएगा, और क्या आएगा आप खुद मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं या लाइक कॉमेंट जैसे भी है आप हमको इसका आंसर आप मेरे ब्लॉग पे दे सकते हैं। इसके अलावे अब आइए एक फंक्शन और cot x के लिए आपके लिए छोड़ दिया, मैं अब sec x की तरफ चलता हूं कि sec x को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ हम लोग जाते हैं। तो टू फाइंड द डीसी ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, दम सिंपल। अब क्या करना है, दम सारा सेम प्रोसेस, छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए सारा प्रोसेस में हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। तो इसको आसानी से अपन हम लोग समझ सकते हैं कि लेट y इक्वल टू sec x इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसको हम लोग मेंशन करेंगे इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम सेकंड, क्या करते हैं इक्वेशन वन को इक्वेशन सेकंड में से हम लोग माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर उसी तरह से सेम आ जाएगा डेल्टा वाई, और यहां आ जाएगा सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स। अब यहां के बाद फिर हमने बताया था कि जैसे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आवे तो उसको सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि एज ए साइन एक्स में तोड़िए या टेन एक्स में तोड़िए। यहां सेक एक्स को हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स में आराम से तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस वन अपॉन कॉस एक्स। जब ऐसा हो गया फिर जब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमारा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां कॉस एक्स रह जाएगा और माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी पर फिर से ब्रेक डाउन करेगा तब यह हमारा साइन के सेंस में आ जाएगा। मैंने बताया था कि सबसे पहले जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आवे
आप ऐसे सिंप्लीफाई करिए कि उसे साइन एक्स और टेन एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने सेक एक्स को पहले कॉस एक्स में लाया, अब यहां फॉर्मूला अप्लाई होकर साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्मूला सिंपली आपका दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आधा काम आसान हो गया। तब यहां साइन सी माइनस साइन डी का अप्लाई करेंगे तो टू साइन सी, सी के जगह पर एक्स माइनस नहीं प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू, क्या होगा टू साइन सी प्लस डी पर टूटेगा इनटू साइन डी पहले लिखा आता है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी लिखाएगा अपॉन टू, और फिर जो वैल्यू है पहले से अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर देख लीजिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा टू साइन एक्स एक्स मिलके टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू हो जाएगा और यहां साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू, नीचे जो बच गया वो है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसके बाद और भी समराइज कीजिए इसको, तब देख लीजिए कि हमारा कहां जाता है। हमने देखा कि यहां डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट होकर इतना आ गया, तब हमारा यहां पर डेल्टा एक्स किसी भी सूरत में नहीं है और हमारा फॉर्मूला यहां डिमांड कर रहा है कि डेल्टा वाई चाहिए, तब अब हम लोग क्या करेंगे इसमें डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स नहीं है डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड वाई डेल्टा एक्स, तब हमारा मिल जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और इधर का जो था वो टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू लिखा जाएगा और इनटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू होगा अपॉन टू डेल्टा एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इनटू कॉस एक्स। इसके बाद अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा टेंस टू जीरो, तब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू बटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स इसके पास लाया हमारा फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डीवाई बाई डी एक्स के सेंस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स और इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहां हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टू, आप आगे लिख सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू बटा डेल्टा एक्स अपॉन टू, अपॉन टू नहीं था तो मेंशन कर लेके वन अपॉन टू से कर देंगे और जो नीचे यहां कॉस एक्स है वो रह जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे टू एक यहां भी है और टू यहां भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। अब अगर यहां पर हम लोग डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे और ये जीरो हो जाएगी तब भी हमारे साइन एक्स के मान आएगा और वो फाइनाइट फॉर्म में आएगा, तब उस सेंस में हमारा यहाँ वैल्यू डायरेक्ट एग्जिस्ट करेगी या डायरेक्ट पुटअप हो जाएगा, यहां भी हमारा डायरेक्ट पुटअप होगा, यहां हमारा फॉर्मूला काम करेगा, ये पूरा फॉर्मूला की वैल्यू वन होती है, जब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए क्या बनता है, ये साइन एक्स रह जाएगा यहां जीरो हो जाएगा तो सिर्फ साइन एक्स रह जाएगा, नीचे में कॉस एक्स है और ये वैल्यू डेल्टा एक्स रखेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा और इनटू इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, जब वन हो जाएगी तब देख लीजिए क्या आया कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो बच्चों अब यहां पर देखा कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारा आ गया, पहले सेक एक्स ही लिखा जाता है एज ए
फॉर्मूला फॉर्म में, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, एज ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का फिर से एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जो आपको प्लस टू में ये लेकर जाएगा और आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो यहां सिंपली हम लोग समझ लीजिए कि जितना भी डिफरेंशियल कैलकुलस का जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, मैं उसको सभी को ड्राइव करने के लिए सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या वैल्यू वैरी कर सकता है। जैसे आपने देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरह से कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको खुद निकालने के लिए दिया है, आप इसको निकाल के मेरे ब्लॉग पे आप उसका आंसर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेक एक्स का ड्राइव किया तो देखा कि सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। तो इसी तरह से अब आप लोग के लिए एक और यहां पर मैं वर्क छोड़ रहा हूं कि आप इसी का पेयर जो है कौन, तो आपका यहां डी डी सेक एक्स है तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके आप लोग एच डब्ल्यू में इसको समझिए, आप मेंशन कर लीजिएगा, बना सकते हैं। जैसे मैंने सेक एक्स को ड्राइव किया सेम एज कोसेक एक्स का भी उसी तरह से ड्राइव होगा और आप लोग इसको दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए इस तरह से हमारा ट्रिगोमेट्री का छह जो फंक्शन है, छ का फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है, जैसे मैंने बता चुका हूं, एक बार समरी भी दिया। अब आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ चलें, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंशिएशन फंक्शन होते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है। तो मैंने अलजेब्रिक फंक्शन का x टू द पावर n का वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के छह फंक्शन को ड्राइव कर दिया। अब मैं आप लोग के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग चलते हैं। तो यहां टू फाइंड द डीसी ऑफ, यहां पर अब हम लोग का क्या कर देना है, ई एक्स की वैल्यू निकालनी है, ई टू द रेस एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है जो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो सेम एज जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जो भी रहे तो लेट y इक्वल टू ई टू द पावर x और इसको इक्वेशन फर्स्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डायलॉग है उस डायलॉग को यहां पर लिखेंगे, लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, इन वाई, तब हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है वो किस रूप में चल जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा और यहां हो जाएगा ई, ध्यान देना है एक्स के सेंस में चेंज करेगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहां चेंज करेगा और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। जब इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, क्या करते हैं इक्वेशन टू में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं, तब यहां हमारा रिजल्ट आ जाता है डेल्टा वाई, ये हो जाएगा ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई के पावर एक्स। अब देख लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, तब यहां पर ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई टू द रेस एक्स इंटू ई टू द रेस डेल्टा एक्स माइनस ई एक्स, यहां पर क्या देख रहे हैं कि ई एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा तो ई टू द रेस डेल्टा एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे, उस फॉर्मूला के तहत बाइनोमियल में हमने बताया था, तो यह आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसकी फॉर्मूला है ई के पावर एक्स की फॉर्मूला, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि इसका वैल्यू वन एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन और एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू, इस तरह से वैल्यू हमारा बढ़ते चला जाएगा एक्स क्यू फैक्टोरियल थ्री डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला मैंने
अलजेब्रिक फंक्शन में या बाइनोमियल जो फंक्शन दिया था उसमें भी दे रखे हैं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो ये x हो जाएगा, जब इसी फॉर्मूला पर इसको सेटअप करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा माइनस ई एक्स ई डेल्टा एक्स अपॉन 1 प्लस ई डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट टिल इंफिनिटी चला जाएगा। अब यहां पर माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या e का पावर x, e डेल्टा x अपॉन 1 e डेल्टा x का स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट। यहां e डेल्टा x कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन हो जाएगा तब हमारा फंक्शन यहां पर देख लीजिए कि क्या बन जाएगा, e डेल्टा x है तो e डेल्टा x यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, e डेल्टा x सिर्फ डेल्टा x स्क्वायर होता है, डेल्टा x आएगा सिर्फ डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा x हम यहां पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारा डेल्टा y इक्वल टू e के पावर x डेल्टा x हो जाएगा, और यहां वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन 2 डेल्टा x अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर डॉट डॉट चला जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए डेल्टा x डेल्टा y तो ऑलरेडी यहां पर है, तो हमको दोनों तरफ से यहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से हम लोग इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x फॉर्म में ले आएंगे, यहां बचा ex और यहां 1 प्लस डेल्टा x फैक्टोरियल 2 डेल्टा x फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टिल। अब यहां पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ex इनटू 1 प्लस डेल्टा x फैक्टोरियल 2 डेल्टा x स्क्वायर फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट ये आ जाएगा। इसके बाद जब हम लोग ये भी जानते हैं कि जब लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू डीवाई बाई डी एक्स के सेंस में जब इसको लाएंगे तो इसका मतलब हो गया डीवाई बाई अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो एक्स बाहर रह जाएगा, जहां जहां डेल्टा एक्स वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी सब जीरो हो जाएगा, फाइनल वे में हमारा ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब यहां पर क्या मिला कि डीवाई बाई डी एक्स ए के पावर ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, यानी ई एक्स का डिफरेंशियल कोफिशियंट एक्स ही हो जाएगा, या डी एक्स का ई एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग का ई एक्स ही होता है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला कि डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, इस तरह का भी बहुत सारे आपका अलजेब्रिक फंक्शन में आ सकता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकला। अब आइए लॉगरिथम के लिए चले हम लोग कि लॉगरिथम फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस के माध्यम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया टू फाइंड द डीसी ऑफ लॉगरिथम फंक्शन लॉग e टू द x विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं ऐसे फंक्शन को सेम उसी तरह से लेट y इक्वल टू क्या मानेंगे log x, e सेंस में लिखना को जरूरी नहीं इसलिए डायरेक्ट आप log x भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट लिखा जाएगा, सेम डायलॉग लेट डेल्टा x बी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तब हमारा क्या बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। जब ऐसा हो गया तब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकंड, तब क्या मिलेगा इसमें से ये माइनस होगा तो डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग
एक्स। अब आप जानिए कि लॉग के फंक्शन में अगर कोई माइनस में होगा तो वह जो बेसिक बेस जो होता है वो डिवाइड में चला जाता है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। तो इसी तरह से जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। जब ये इस सेंस में आ जाएगा तब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके फिर देखिए हम लोग लॉग का जो फॉर्मूला है, एक और आया था लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स का एक फॉर्मूला जो बाइनोमियल टर्म में दिया गया था उसमें इसको ब्रेक डाउन करेंगे, थोड़ा सा और इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर सकते हैं। जब इसको वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के सेंस में करेंगे तो ये हमारा लॉग वन प्लस एक्स पर ब्रेक डाउन कर जाएगा। जब ब्रेक कर डाउन करेगा तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि लॉग लॉग को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले आएगा डेल्टा एक्स, यानी एक्स के सेंस में होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटा वन, फिर माइनस होता है वन बटा टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस होता है वन बटा थ्री डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का क्यू डॉट 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 के सेंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब आइए यहां पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स सब में कॉमन है तो ये पहले डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कॉमन आ जाएगा तो हमारा फंक्शन बच रहा वन माइनस एक बटा टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का बच जाएगा प्लस वन बटा थ्री डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस डॉट 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 के सेंस में आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहां डेल्टा वाई है यहां डेल्टा एक्स है तो बटे फॉर्म में आ जाए आ सकता है रिप्लेसिंग से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा और फिर ये बच जाएगा वन माइनस हाफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन थ्री डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर देख लीजिए फट से हम लोग फिर जैसे आ जाता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और यहां आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स वन माइनस हाफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बटा थ्री डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस डॉट 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 सो ऑन। इसकी वैल्यू डिफ्रेंशिएशन वे में डीवाई बाई डी एक्स होती है और तब इसमें अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन एक्स रह जाएगा और यहां वन माइनस इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये सब जीरो हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस इंटू जीरो प्लस वन बटा थ्री इंटू जीरो सो ऑन। अब वैल्यू इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू वन, तब हम लोग देखा कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो यहां वाई के जगह पर हम लोग क्या रखा था लॉगरिथम फंक्शन तो यहां पर क्या रख देंगे, इसका मतलब हो गया कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला वन अपॉन एक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। अब आइए मैंने एक्सपोनेंशियल को क्लियर कर लिया, लॉगरिथम क्लियर कर लिया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कर लिया, अब आई अलजेब्रिक फंक्शन कर लिया, अब लास्ट जो है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आप लोग को एक्सप्रेस करके दिखा दूं कि कैसे हम लोग इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। तो आपको बताया गया कि जब भी इनवर्स में आए तो सबसे पहले उसको हम लोग रिमूव करेंगे एज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और तब सारा रूल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोग कर रहे थे वो सब अप्लाई करके गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल कैलकुलस निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ी सी खाली चेंज करेंगे कि टू फाइंड द डीसी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, डीसी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब ये फंक्शन कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहां पर फर्स्ट ले ले रहे हैं
साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे ड्राइव करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रिगो फंक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग इसको मानेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा माना। तो क्या ये साइन इनवर्स में छोड़ देंगे? नहीं, और नहीं अभी इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। रूल है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन में हो तो इसको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज कीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी हमारा मिला कि एक्स इक्वल टू साइन वाई, इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं इसको। अब यहां हमें चेंज करेंगे, इस फंक्शन में हम लोग चेंज नहीं करना था, अब हम लोग ट्रिगो फंक्शन में चेंज करना है। तो ट्रिगो फंक्शन में चेंज करने के लिए जो डायलॉग हम लोग जान रहे हैं फिर से इसी तरह से लिखेंगे, लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कोरस्पॉन्डिंग चेंज चेंज इन वाई। तब हम लोग का जो इक्वेशन फर्स्ट है वो उस रूप में बदल जाएगा, देख लीजिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और यहां साइन वाई प्लस डेल्टा वाई के सेंस में बदल जाएगा और इसे इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे। जब इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे तब हमारा जो फंक्शन होगा वो देख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम सेकंड। जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहां हमारा मिल जाएगा डेल्टा एक्स और इधर मिल जाएगा साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई मिल जाएगा। अब इसको साइन वाई माइनस साइन सी माइनस साइन डी पर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। जब साइन सी माइनस साइन डी पर ब्रेक डाउन करेंगे तब हमारा ये फॉर्मूला देखिए किस तरह से चेंज करता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो इस पर जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो टू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस वाई अपॉन टू हो जाएगा इंटू कॉस नहीं कॉस नहीं साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन टू हो जाएगा। यहां वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच रहा है सो लिख लीजिए टू कॉस टू वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन टू हो गया इंटू साइन वाई प्लस टू डेल्टा वाई अपॉन टू हो जाएगा। अब यहां पर जब हम लोग लिमिट अप्लाई करने की बात आती है तो हम लोग फॉर्मूला आता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होना चाहिए तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जाएगा। हमारा रिजल्ट जो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई जा रहा है जो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो इसको बाय अल्टरनेंडो कर दीजिए, मींस अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। तो यहां आप चेंज कर सकते हैं, जब चेंज करेंगे तब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डाइवर्ट कर सेंस में चला जाएगा और सबसे पहले यहां दोनों तरफ हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डेल्टा y यहां पे है नहीं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा y, तब यहां हमारा मिला डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल टू ये आ जाएगा टू कॉस यहां y प्लस डेल्टा y अपॉन टू कर सकते हैं और इनटू साइन डेल्टा y अपॉन टू कर सकते हैं बटा डेल्टा y। जब इसको रिवर्स करेंगे अल्टरनेंडो कर देंगे तब क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाएगा, यानी अंश जो है वो हर बन गया और हर जो है वो अंश बन गया। क्यों किया ऐसा इसलिए किया गया कि जो चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हर हालत में डीवाई बाई डी एक्स जाना चाहिए और यहां हमारा रिजल्ट आ रहा था डीवाई बाई
dy चला जा रहा था जो कि नियम के मुताबिक ये विरुद्ध हो रहा था, तब जब हम इसको अल्टरनेंडो कर देंगे तब हमारा सेटअप हो जाएगा dy अपॉन dx, इसलिए अल्टरनेंडो किया जा रहा है यहाँ पर, तब यहाँ हमारा dy y जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा y अपॉन 2 कर सकते हैं, ऐसा हो गया। अब यहां पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, जब ऐसा हो गया तब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, क्यों करेंगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो डेल्टा x लिमिट हमारा 0 हो जाएगा, तब यहां पर आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन 2 cos y प्लस डेल्टा y अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा y अपॉन 2। यहां पर ध्यान देना है, एक और है ट्विस्ट कि यहां हमारा डेल्टा x टेंस टू 0 तो सही आ गया, लेकिन यहां डेल्टा x टेंस टू 0 है लेकिन यहां हमारा जो गिवन फंक्शन में डेल्टा y है, तो आपको मैं बता दूं चूंकि डेल्टा x टेंस टू 0 है तो जो डेल्टा x टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन करेगा तो वो डेल्टा y भी उसका टेंस टू 0 चला जाता है, तो जहां जहां डेल्टा x टेंस टू 0 है उसको हम लोग डाइवर्ट करके डेल्टा y टेंस टू 0 भी कर सकते हैं, तब यहां हमारा अब ये जो है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x चला जाएगा, और लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 जहां जहां यहां जो y है उसको y के सेंस में हम लोग रख सकते हैं, तो वो सारा जो डेल्टा x था वो डेल्टा y के सेंस में चेंज हो जाएगा, तो यहां डेल्टा y टेंस टू 0 कर दीजिएगा, तब यहां आ जाएगा डेल्टा y अपॉन 2 cos y प्लस डेल्टा y अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा y अपॉन 2, ठीक है। अभी डेल्टा y के सेंस में आ गया, अब यहां पर हम लोग साइन का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं, तब यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी dy by dx, अब यहां अप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 1 अपॉन 2 cos y प्लस डेल्टा y अपॉन 2, और उसके बाद डेल्टा y नीचे क्या करेंगे साइन डेल्टा y अपॉन 2, तो फिर डेल्टा y अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो डेल्टा y अपॉन 2 हो जाएगा। अब आइए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y से स्क्वायर सेंस में आ जाएगा, डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल हो जाएगा, यही रह गया, डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आइए इसकी वैल्यू जब हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहां देख लीजिए डेल्टा y टेंस टू 0 डायरेक्ट डेल्टा y की जगह पर पुट करेंगे तो cos y एज अ फाइनाइट वैल्यू है तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहां cos y आ जाएगा, और ये हमारा डेल्टा y टेंस टू 0 में जा रहा है तो आपको पता है लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 sin थीटा बटा थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो जब यहां अप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन cos y इनटू 1 आ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, फिर से ऊपर आइए हम लोग का देख लीजिए, अब रिजल्ट आया फाइनली कि dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y आ गया, हम लोग का लाना है किस सेंस में, x के सेंस में, तो आपको बता दे कि जो y की वैल्यू जो थी हम लोग की वो उसको हम लोग x के सेंस में चेंज कर सकते हैं, जब x के सेंस में चेंज करेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगी, cos y की वैल्यू क्या आता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और जब यहां पर रखेंगे तो dy by dx इक्वल टू 1 रूट ओवर 1 साइन y की वैल्यू हम लोग का क्या था, फर्स्ट भी इक्वेशन में देख लीजिए साइन y की वैल्यू x थी तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब मिल गया कि dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, या आप इसको कर सकते हैं d अपॉन साइन इनवर्स x dx का वैल्यू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, जो कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस तरह से इनवर्स का आपने देखा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी आपको पता हो गया कि 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। फाइनली
अब आप लोग को मैं एक समरी के तौर पर दे दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ा इस सेक्शन के माध्यम से। तो आप लोग ने देखा कि डी बाई डी एक्स, एक्स का होल एन की फॉर्मूला निकाला एन एक्स एन माइनस वन। फिर हमने निकाला छ का डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने पढ़ा साइन एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने देखा सेक स्क्वायर एक्स। फिर देखा डी वाई डी एक्स, कॉट को आपको खुद देना करना है, तो सेक एक्स की वैल्यू हम लोग देखा कितना पढ़ा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने देखा ई एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आपने देखा वन अपॉन एक्स। डी बाय डी एक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना होता है, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाकई फॉर्मूला जो है अब आप लोग खुद से इसको ड्राइव कर सकते हैं और ड्राइव करके आसानी से इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी मैंने छोड़ा वो आप लोग के लिए एज ए एस डब्ल्यू है और आप एस डब्ल्यू के रूप में इसको आसानी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसका आप फायदा उठा सकते हैं। मैंने होम असाइनमेंट के तौर पे भी मैंने कुछ आप लोग के लिए दे रखा हूं जो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये आप लोग के लिए एज ए होम असाइनमेंट है। पहला है फाइंड द डीसी ऑफ कॉटेक्स। मैंने पहले बता दिया था कि एज ए एस डब्ल्यू में कॉटेक्स को मैं दे रखा हूं, तो इसका आपका आंसर भी दे रखा हूं कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बाकी और भी कोसेक एक्स को छोड़ा था तो इसके वैल्यू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स एज ए आंसर के रूप में दे रखा है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही बनाना है इसको। इसके अलावा और भी बहुत सारे, कॉस इनवर्स एक्स का नहीं ड्राइव किया आपको खुद से ड्राइव करना है, टेन इनवर्स का नहीं किया आपको खुद से ड्राइव करना है, सेक इनवर्स का नहीं किया है आपको खुद से ड्राइव करना है। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए इलेवंथ के बच्चों के लिए यह कैलकुलस के सेक्शन का सबसे आखिरी वीडियो है। आई होप कि आप लोग कैलकुलस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इसको समझा होगा। अगर फिर भी कोई कसर रहती है तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर आप हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, इससे और डीप जान सकते हैं। और साथ ही आपको बेस्ट लक कि आप इसको और भी अच्छे से समझिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने वीडियो आप लोग के लिए बना रखा है, तो ये सभी में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तब तक मैं आपको बाकी के सेक्शन के लिए प्लस टू में आप लोग से मिलेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस के एज ए प्रॉब्लम इंटीग्रेशन कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस लेकर आऊंगा। और तब तक बात एंड वेट कीजिए, बहुत जल्द ही मैं आप लोग को प्लस टू के तरफ भी जाऊंगा। और प्लस टू के बच्चे, बहुत सारे बच्चे का ऐसा आ रहा है कि सर प्लस टू का कब स्टार्ट होगा, तो वैसे बच्चों का एक संदेश है कि आप लोग धैर्य रखें। उम्मीद है कि एक से दो वीक में आपके सामने डिफरेंशियल कैलकुलस का एज ए प्लस टू सेक्शन का और इंटीग्रेशन का प्लस टू सेक्शन का भी मैं बहुत जल्द देने जा रहा हूं। तब तक बेस्ट ऑफ योर लक्स और आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझिए। गुड लक टू यू। थैंक यू।